Hi everyone! Welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha, and this series is called To the Point. Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC and PCS journey. has more than 23 years of experience and has given out more than 2,200 positive results since 1999. In today's topic, we're going to discuss something uh, very tangible, or both समझने में मजा स्कीम विच वी आर अबाउट टू स्टडी इज अबाउट द ऑथर्स इट इज सेट दैट ऑथर्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन अ वे की ऑथर्स जो भी लिखते हैं सोसाइटी से निकाल के लिखते हैं एंड दे आर वेनरेटेड दे आर सेलिब्रेटेड एंड वी कैन सी दैट इट इज देअर थ्रू आउट द हिस्ट्री वी नो द हिस्ट्री थ्रू द आईज ऑफ द ऑथर्स ओनली वी अंडरस्टैंड सर्टन थिंग थिंग्स थ्रू द आईज ऑफ ऑथर्स ओनली तो वैसी एक स्कीम है जिसका नाम है युवा टू पॉइंट ओ युवा जो पहली स्कीम थी वो 2019 में पहले ऑलरेडी आ चुकी है 2.0 में देर आर सर्टेन चेंजेस बट 2.0 को ही हम बेस मान के पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे देखते हैं क्या सवाल आएगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है और हाउ यू कैन पार्टिसिपेट और कैसे ये चलने वाला है वो सब पूरा देखते हैं अभी एंड टू द पॉइंट इज अ सीरीज वेयर वी डू द करंट अफेयर्स फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू तो सीधा सीधा जो प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है उस टाइप के टॉपिक्स को देखते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू कवर द सिलेबस होलिस्टिकली फॉर प्री एज वेल एज मेन्स देर इज अ कोर्स दैट इज गोइंग ऑन करंट अफेयर कोर्स फॉर 23 24 का जिनका अटेम्प्ट रहने वाला है उनके लिए एंड इट इज देयर इन बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉर्मेट एंड यू गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल एज वेल यू कैन चेक इट आउट द लिंक इज डाउन देयर इन द डिस्क्रिप्शन अभी हम चलते हैं स्कीम की तरफ विच इज कॉल्ड युवा टू पॉइंट one नंबर वन देखिए आप इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर यंग ऑथर्स पहले देखो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यंग ऑथर्स की बात हो रही है तो और वैसे युवा नाम से क्लियर भी हो रहा होगा पर यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया जा सकता है एज वाइज कि एक्सपीरियंस ऑफ थर्टी ईयर्स बट इनकी एज ऑफ थर्टी ईयर्स एंड लेस का रहता है एक्सपीरियंस का इसमें थर्टी ईयर तो कोई लेना देना नहीं है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यंग ऑथर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये स्कीम है नोन एज यू इसकी फुल फॉर्म ये है कि यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स देखिए यूपीएससी इसकी फुल फॉर्म के ऊपर नहीं जाएगा बट इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेढ़े मेढे छोटे एग्जाम्स इधर उधर वाले तो जैसे यूपीएससी वालों को रहता है कि तो एक मन में होता है कि यार यूपीएससी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें उठा के चलता है बंदा तो उस केस में ये इसकी जो डेफिनेशन है फुल फॉर्म है ट बिकम्स इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज सिंपल इज दैट वॉज लॉन्च बाई डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन दैट मीनस की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर फॉल करी दो अक्टूबर को लॉन्च हुई थी इट नॉट इम्पॉर्टेंट क्यों करिए ये इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडिया एंड इंडियन लिटरेचर अब्रॉड इट इज एन ऑथर ये देखिए स्कीम आपको समझ में आएगी ऑथर मिंग प्रोग्राम जो लिखने वाले हैं यंग और ये इंटरनेशनल बेस पे मैं यहां पर आपको लाके दिए जाएंगे यू आर टू पॉइंट टू आर्टिस्टिकली एंड इंडिजिनियसली एम्फोसाइज दू पॉइंट ऑफ दंगर जनरेशन ऑफ ऑथर्स ऑन द इश्यू देखो यहां पर उन्होंने टॉपिक भी दिया है कि ऑथर्स को किस टॉपिक के अराउंड जो है रिवॉल्व करके उसको लिखना है डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन इवेंट्स पीपल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये है जी इसका मेन आपने बेसिकली ये चीज याद रखो कि डेमोक्रेसी के अराउंड लिखना है डेमोक्रेसी के अंदर क्या लिखना है किसके ऊपर ऑथर्स को ट्रेनिंग होगी या किस तरीके से करना है वो ये है इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इवेंट्स पीपल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और ये एज जो पार्ट है वो इंडिया एट सेवेंटी फाइव जो हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं वो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको इस आइडिया को रिफ्लेक्ट करती हुई दिखेंगी और बहुत जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा अगेन द थीम सेवन कॉन्टीन्यूज सेवेंटी फाइव ऑथर्स विल बी चोजन एज पार्ट ऑफ ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट है ना ऑनलाइन होगा माई गव डॉट इन पे होगा ये और दो अक्टूबर से लेकर तीस नवंबर तक आप जो है एंट्रीज इसमें भेज सकते हो एंड ऑल और असेसमेंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन योर नॉलेज मैं यहां पे ये शेयर कर रहा हूं असेस्ड बिटवीन और ये कब असेसमेंट होगी इसकी फर्स्ट दिसंबर से लेकर थर्टी फर्स्ट और जाके आपका फेब अट्ठाईस को रिजल्ट निकाल देंगे जो इंपॉर्टेंट वाला थोड़ा सा है कि यंग ऑथर्स विल रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रिनाउंड ऑथर्स एंड मेंटर्स फ्रॉम मार्च वन ये और ये इंटरनेशनल रहने वाला है नेशनल प्लस इंटरनेशनल जो यंग ऑथर्स की मेंटरशिप है जो मेंटर्स होंगे दैट विल बी इंटरनेशनल राइटर्स ऑथर्स और अगले साल फर्स्ट बैच ऑफ बुक्स विल बी रिलीज जो उस टॉपिक पे होंगी डेमोक्रेसी के ऊपर और इसकी जो इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है इट इज नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया और ये बुक प्रमोशन डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है प्री का इट इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन की नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री या किसके अंडर है तो वो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भूलना नहीं है कि एमएसएमई में हो सकता है इधर हो सकता है उधर हो सकता है नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है ये है ना तो आइडिया ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू और ये जो बुक्स आएंगी अगले साल जो दो अक्टूबर को लॉन्च होंगी युवा टू हो के अंडर जो सेवेंटी हमारे ऑथर सेलेक्ट होंगे तो वो इस आइडिया के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करने वाले हैं ये देखिए अब जो अगले दो पॉइंट है ना ये इसके सिग्निफिकेंस को दर्शा रहे हैं दीज विल नॉट बी आज इन प्रीलिम्स बनेगा भी नहीं इसके ऊपर सवाल ये वाले जो दो पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ दि स्कीम है, है ना तो प्रोबेबली हम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं देख लेते हैं हालांकि इट इज टू द पॉइंट बट थोड़ी सिंपल सी लैंग्वेज कुछ नहीं है डेवलपअ स्ट्रीम ऑफ राइटर्स हु कैन राइट ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट्स टू प्रमोट इंडियन हेरिटेज कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम क्योंकि इंडिया विश्वगुरु बनने की भी एस्पिरेशन रखता है तो उसके लिए हमें बेहतरीन राइटर्स की जरूरत है कि बड़ी बात को कम शब्दों में सटीक तरीके से कैसे डिलीवर किया जाए विंडो टू दी एस्पायरिंग यूथ और इसके बाद ये एक अपॉर्चुनिटी तो है ही है आप में से इस स्कीम को यहां शेयर करने का मेरा मकसद ही ये था कि आप में से जो भी यंग एस्पायरिंग राइटर्स हैं और uh, लिखते हैं अच्छा तो ये आप भी इसके अंदर जरूर डेफिनेटली यू कैन पार्टिसिपेट और uh, आप इसका फायदा उठा सकते हैं ये एक सवाल है यू कैन पॉज द विंडो एंड ट्राई यूर सेल्फ आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद दोल्यूशन यू आर टू पॉइंट ओ इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सही स्टेटमेंट है यू आर टू पॉइंट ओ एम्स टू आर्टिस्टिकली एंड इंडिजिनियसली एम्फोसाइज व्यू पॉइंट ऑफ द यंगर जनरेशन ऑफ द ऑथर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आइए इट फॉल्स अंडर द इजी कैटेगरी राइट एंड आंसर विल बी थ्री विच इज बोथ एंड ये आज की स्कीम है डू लेट योर राइटर फ्रेंड्स नो सेंड देम दिस वीडियो कि ऐसा कुछ चल रहा है और दे शुड पार्टिसिपेट इन दिस एंड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड ऑथर्स के साथ में एक अलग सा ही लगाव रहता है यूपीएससी का भी एंड इनफैक्ट द होल सोसाइटी का ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन My name is Rohit Garcha, and this is Abhimanyu IAS.